स्कूल अस्पताल बचाओ जनसंवाद यात्रा के दौरान मधेपुरा पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू का जिला अध्यक्ष नवल किशोर सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मधेपुरा सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अच्छे दिन के लालच देकर लोगों को गुमराह किया है और दोबारा सत्ता में आए, लेकिन जब इतने दिनों बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, न रोजगार की बात की, न शिक्षा की बात की और न स्वास्थ्य की बात की और देश आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। इन सभी सवालों से बचने के लिए मोदी सरकार ने NRC एवं CAB बिल के जरिए लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाना चाह रहा है। वहीं उन्होंने बिहार सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज बिहार में जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बदतर हो गई है, ऐसे में आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। दिल्ली की तरह यहां भी विकास मॉडल को लागू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि अपने दमखम से अकेले बिहार विधानसभा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लोगों का पसंदीदा पार्टी भी बनेगी। हम जनता तक जाकर के बताने का काम करेंगे कि एक तरफ ये लोग हैं जो हत्या लूट अपराध बलात्कार के साथ खड़े हैं, ये सरकारें हैं जो रोम जल रहा था और नीरो चैन की बंसी बजा रहा था कि तर्ज पर नीतीश कुमार जी ऐसो आराम में लगे हैं, पर्यटन में घूमने फिरने में लगे हैं, और एक तरफ ये है दिल्ली की छोटी सी अरविंद केजरीवाल की सरकार जो ये ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित की है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, वृद्धा पेंशन का, पेंशन जो कर्मचारियों को दिया जाता है, तीर्थ योजना का, ये सब चीजें फ्री, वाईफाई का, और ये सब सारा फ्री देने के बाद भी एकमात्र राज है दिल्ली जो मुनाफे का बजट बना रहा है। एक तरफ ये लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम डेवलपमेंट करके युवाओं को, किसानों को, बुजुर्गों को, सबको साथ लेकर के विकास का नया रास्ता, नई राजनीति क्रांति का सूत्रपात करना चाहते हैं। इन चीजों को हम तुलनात्मक तरीके से जनता में ले जाएंगे, और अगर जनता समझ गई तो मुझे विश्वास है कि दिल्ली की तरह बिहार में भी अपार बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आएगी।